हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, काफ़ी लोगों को पता नहीं है और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि AM कब होता है और PM कब होता है। दोस्तों, ये बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि AM और PM का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, ये एक लैटिन भाषा है, AM एंड PM। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम और PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियम। ये एक फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं AM कब होता है और PM कब होता है। दोस्तों, जो सुबह होती है उसे AM कहते हैं और जो शाम होती है, रात होती है, उसे PM कहते हैं। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि AM शुरू कब से होता है और ख़त्म कहाँ होता है, और PM शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। दोस्तों, AM जो है वो रात के 12 बजे से शुरू होता है और दिन के 12 बजे ख़त्म होता है AM। अभी बात करते हैं दोस्तों PM की। तो PM दोपहर के यानी सुबह के 12 बजे से शुरू होता है और रात के 12 बजे PM ख़त्म होता है। मतलब 12 घंटे AM होता है और 12 घंटे PM होता है। टोटल दिन में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आधा दिन AM होता है, आधा दिन PM होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कि AM शुरू कब होता है, ख़त्म को कब होता है और PM कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी से रिलेटेड अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। ओके, बाय।